जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के टाइम पे बहाना बनाते हैं उनके लिए आज एक बहुत प्रेरणादायक वीडियो हो सकता है। छोटू कहाँ से है? हो स्कूल से। क्या नाम है? नरपतराम। नरपतराम, ये हाथ में क्या ले रखा है? ये बुक है। बुक है। बैग कहाँ है? बैग है भी नहीं। इस प्लास्टिक थैली में लेके जाते हो? तो कितनी क्लास में पढ़ते हो? एट्थ में। बैग नहीं ले जाते? नहीं, इसी में बुक ले जाते हो प्लास्टिक थैली में। क्या क्या आता है आपको? इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सब कुछ। मीनिंग आती है। और मीनिंग पावड़ा कहाँ तक आता है? पावड़ा 20-15 तक। 15 तक आता है। चलो कौन सा पावड़ा बोल के सुनाओगे? आप चाहे हो मैं पूछू वही सुना दोगे? चलो 14 का सुना दो। मतलब 14 का पावड़ा आता है। और इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में मीनिंग आती है, टेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, सब आता है। यस। और कोई एप्लीकेशन इंग्लिश में बोलनी आती है? यस। कौन सी आती है? कौन सी? एक आती टीसी पर। टीसी पर? टीसी पर, मैरिज पर। अच्छा, तो अभी आज 8वीं पास हो गयो और 9वीं क्लास वास्ते दूसरी स्कूल में जाना है, हमें टीसी लेनी। टीसी की एप्लीकेशन बता दें। टीसी की? हाँ, हम एड्रेस देंगे, पहले एड्रेस समझ लो। हाँ, पूरा बता दें जो भी इंग्लिश में बोल गए। शिवनगर कॉलोनी जोधपुर। नहीं, लिखेगा किसको पहले एप्लीकेशन? जिसको लिखेगा टू द, मतलब किसको लिखेगा टू द गवर्नमेंट स्कूल? वो तो सब एड्रेस लिखेंगे फिर बार। हाँ, बोलो इंग्लिश में बोलो। शिव कॉलोनी जोधपुर, डेट दिस 8 दिसंबर 2022। माय डियर सर। हाँ सर, द रेस्पेक्ट द हेडमास्टर जयश्री भद्री राय विद्या मंदिर भटनगर शेखाला सर। Sir, I beg to say that, sir, I respect fully. I have registered your my TC. I passed my 7th class. My father transferred Jodhpur, so I go to Jodhpur. My Richard works it. Respectfully, kindly grant me. My teacher. My name Narpatram. Thanks. TC. Kindly grant me my TC. TC. हाँ, बहुत सुंदर। दोस्तों देख सकते हैं, जो लोग बड़े बड़े बैग लेके और बहुत बड़े बड़े खर्चा करके पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है पॉलीथीन के बैग के अंदर ये अपनी किताब लेके गए। हालांकि इन्होंने जरूर, इनके बोलने में हेजिटेशन हो रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा लेके आया हूँ, तो गांव के बच्चे हैं और इनको बोलने में ज़रूर तकलीफ होती होगी, लेकिन जिस हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस है और जिस हिसाब से बड़े गर्व के साथ ये पढ़ाई करते हैं। छोटू तेरा क्या नाम है? कमलेश। तू किस क्लास में पढ़े? तीसरी में। स्कूल का नाम कहीं? जयश्री भद्री वीडियो में पढ़ने नगर से करा। अच्छा, तो आप कितने भाई हो? तीन भाई। जो पढ़ते हैं लोग उनको बड़ी बड़ी गाड़ी भी चाहिए, स्कूल छोड़ने के लिए टैक्सी भी चाहिए। आप पैदल जाते हो या टैक्सी से जाते? पैदल जाते हो। कितना दूर है स्कूल? इससे 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर जाते हो पैदल, और इसी पॉलीथीन के बैग के अंदर। कभी पॉलीथीन फट भी जाती होगी? यस। किताबें बिखर भी जाती है क्योंकि कांटे हैं रस्ते के अंदर, झाड़ी है, फटती है? यस। फिर घर वालों को आके नहीं बोलते कि मेरे को बैग लाओ, ये लाओ, वो लाओ? घर की स्थिति है, स्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हैं, बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने कि परिस्थितियों के मुताबिक चलना पड़ता है। ये है इस राजस्थान के प्रेरणा स्रोत और सभी पढ़ने वाले बच्चों के प्रेरणा स्रोत। और ABCD पूरी आती है? Yes. तुझे भी आती है? तो बता ABCD, बता, बोल दे कैमरे से मत शर्मा, मार हम जाके ABCD बता। कौन सी ABCD? एक बोल सुना दे। ABCDEFG HI J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बहुत सुंदर। और वारकड़ी पूरी आती है? कको बोल सुना दे। कका बोल। कको कको क का की की कू कू के काई को काउ कंक। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार इन बच्चों का कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये मेहनत करके पढ़ते हैं। माँ बाप को ये नहीं बोलते कि मुझे लग्जरी बैग चाहिए, मुझे जाने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे सुविधाएं चाहिए। ये अपने घर की परिस्थितियों को देख के पढ़ते हैं और जो लोग परिस्थितियों को देख के पढ़ते हैं उन्हीं को जॉब मिलता है। और यही एक गांव की है, गांव बावड़ी बावड़ी है।
बावड़ी की अट बावड़ी और है यही है। अच्छा अट वो बावड़ी गांव है दोस्तों, ये बावड़ी गांव शेरगढ़ में पड़े बावड़ी शेरगढ़ में गजे सिंह नगर बावड़ी शक्ति सिंह नगर गजे सिंह नगर बावड़ी गजे सिंह नगर बावड़ी वो गांव है। कितना भाई हो? तीन। तीन भाई हो, सब बड़ो कौन है? मैं। अच्छा थारो छोटा है दो। पिताजी कहीं काम करे? पिताजी दुकान है फैंसी। फैंसी दुकान है। तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी कहीं घरे रहे या कोई नौकरी करे? घरे ही रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं पिताजी जो है अपना गुजर बसर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और ये बच्चे जो है पॉलीथीन के बैग के अंदर लेके और जक्का टाबर मोटी मोटी सुविधा मांगे बन कहीं क्या होना चाहो जक्का कोई नहीं वो तो अब बेरोजगार की तरह फिरते हैं। उनको तो क्या रखना, माँ बाप खुद कमा के दे रहे हैं, उन्हें तो क्या चाहिए। वो अपनी बड़ी बड़ी किताबें अपनी गाड़ियों में घूमते हैं और दूसरों किसी गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। बड़े बच्चों का कुछ नहीं, वो तो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। और एक बात है मोबाइल की, मोबाइल सबसे ज़्यादा देखते हैं और उसमें ही बिगड़ जाते हैं। अपनी माता पिता के वही दुश्मन बन रहे हैं क्योंकि उन्हें आता कुछ नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कर करके दूसरों का भी मजाक उड़ाते हैं। मतलब आप लोग कहने का मतलब है कि पढ़ाई करने वास्ते घनी सुविधा की जरूरत नहीं है, बस मेहनत की जरूरत है। मेहनत की जरूरत है। वो बहुत सुंदर बात है ये बताना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बहुत सुंदर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअल में क्या है कि मैं चल रहा था, ये बच्चे कैमरा लेके मैं रुका तो ये बच्चे डर गए कि पता नहीं अंकल क्या करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों बड़ी नौकरी लगें और एक दिन फिर मैं आप लोगों से मिलने आऊँ जब आपको अच्छी नौकरी मिले। चलो बहुत बहुत सुंदर।